ये है कि जो डिस्क है वो रिंग के अंदर में प्योर रोलिंग कर रहा है और जो रिंग है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर प्योर रोलिंग कर रहा है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। एज्यूम करते हैं कि जो रिंग है वो रेस्ट में है और डिस्क रिंग के अंदर में प्योर रोलिंग कर रहा है। मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो रिंग है वो हमेशा रेस्ट में है। रिंग को हम रेस्ट में एज्यूम कर रहे हैं और जो डिस्क है वो रिंग के अंदर में प्योर रोलिंग कर रहा है। इनिशियली मतलब टी इक्वल टू जीरो पर डिस्क और रिंग के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ओरिजिन पे था, और इस समय मतलब टी इक्वल टू टी सेकेंड पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अगेन टी इक्वल टू जीरो पर पॉइंट ए ओरिजिन पे था, और इस समय मान लेते हैं कि जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सेंटर को पॉइंट ए से ज्वाइन करते हैं ऐसे, और हमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करते हैं कि पॉइंट ए से वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। अगेन मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है और ये एंगल फाई है। ठीक है, अगेन इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं ऐसे। ठीक है, और साथ में पॉइंट ए से भी इस पर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है उसमें इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगेन ये जो डिस्टेंस है वो माइनस एक्स हो जाएगा। सो वी हैव माइनस एक्स इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो अगेन डिस्क का रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, सो दिस डिस्टेंस विल बी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा माइनस दिस डिस्टेंस। अगेन ये सेंटर है, सेंटर से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो हो जाएगा फाई माइनस थीटा, मतलब ये जो एंगल है वो हो जाएगा फाई माइनस थीटा। ठीक है, और ये रेडियस आर है, सो दिस लेंथ विल बी आर साइन फाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा आर साइन फाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर साइन फाई माइनस थीटा माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो हमें इस डिस्टेंस को फाइंड करना होगा। तो क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो टू आर है। ठीक है, रिंग का रेडियस टू आर है, तो अगर हम टू आर में से ये डिस्टेंस माइनस कर लें और साथ में ये डिस्टेंस माइनस कर लें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, सो वी हैव वाई इक्वल टू टू आर माइनस दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा माइनस दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर कॉस फाई माइनस थीटा माइनस आर कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट फाई और थीटा में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो डिस्क है वो रिंग के अंदर में रोल कर रहा है। इनिशियली पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे था। ठीक है, तो कन्फर्म है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। ठीक है, मतलब है कि अगर हम इस डिस्क को वापस रोल करें तो
तो जो पॉइंट ए है वो अगेन ओरिजिन पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कन्फर्म है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, और अगेन पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है, ठीक है। अगेन ये एंगल थीटा है और रिंग का रेडियस 2r है, सो दिस डिस्टेंस विल बी 2r थीटा, ठीक है। अगेन डिस्क का रेडियस r है और ये टोटल एंगल फाई है, सो दिस लेंथ विल बी r फाई, ये जो लेंथ है वो हो जाएगा r फाई, और ये दोनों इक्वल होगा बिकॉज देयर इज नो स्लिपिंग, सो ही मस्ट हैव r फाई इक्वल टू 2r थीटा, r r कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट फाई इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। पुट करते हैं, सो वी हैव x इक्वल टू r साइन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस r साइन थीटा, सो दिस इज जीरो, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा जीरो रहेगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो जाएगा 2r माइनस, दिस इज r cos फाई माइनस थीटा, दैट इज r cos थीटा, ये हो जाएगा 2r माइनस 2r cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जो y कोऑर्डिनेट है वही चेंज करेगा और जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा जीरो रहेगा, मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए है वो इस y एक्सिस के अलॉन्ग ओसिलेट करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि जो y है वो 2r माइनस 2r cos थीटा है, तो कंफर्म है कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है और जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ज़ीरो है। इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि जो पॉइंट ए है वो इस डायमीटर पर एसएचएम करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो डायमीटर है वो एमएन है, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन, तो इस तरह से जो पॉइंट ए है वो रिंग के डायमीटर एमएन पर एसएचएम करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो रिंग है उसको भी मूव कराते हैं, ठीक है। तो ये रिंग है और ये डिस्क है ऐसे, ठीक है। टी टाइम के बाद जो रिंग है वो यहाँ पे आ जाता है ऐसे, ठीक है। और अगेन हम सिर्फ डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ए डायमीटर एमएन पर ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। टी टाइम के बाद रिंग यहाँ पे आ चुका है, तो कन्फर्म है कि ये जो डिस्टेंस है वो भी टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिंग है उसके सेंटर की स्पीड भी है, तो ये डिस्टेंस भी टी हो जाएगा। और जो डायमीटर एम एन है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट एम यहाँ पे आ जाएगा और पॉइंट एन यहाँ पे आ जाएगा और ये सेंटर, ठीक है। अगेन अगर हम पॉइंट एम से देखें तो पॉइंट एम से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो 2r माइनस 2r cos थीटा है, ठीक है। मतलब अगर हम रिंग के सेंटर से देखें तो जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे कहीं है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है d, ठीक है, ये सेंटर C है और यहाँ पे पॉइंट A है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट D विल बी इक्वल टू 2R माइनस Y, ठीक है, ये जो है Y कोऑर्डिनेट है, सो D विल बी 2R माइनस Y एंड 2R माइनस Y विल बी 2R cos थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट 2R माइनस Y इज इक्वल टू 2r cos theta and this is the displacement d, ठीक है। तो यहाँ पर जो displacement d है वो 2r cos theta,
ठीक है। अगेन टी टाइम के बाद पॉइंट ए जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, सच दैट दिस डिस्टेंस दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी। ये सेंटर सी है और यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। अब हम फाइनली पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वी टी में से ये जो डिस्टेंस है उसको माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसे तो अगेन इस एंगल को मान लेते हैं थीटा डैश, ये डी है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी साइन थीटा डैश। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा डी साइन थीटा डैश। सो वी हैव द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू वी टी माइनस दिस डिस्टेंस दैट इज डी साइन थीटा डैश, ठीक है। अगेन इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अगेन टू आर में से इसको माइनस कर दे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो वी हैव वाई इक्वल टू ये हो जाएगा टू आर माइनस, तो अगेन ये जो डिस्टेंस है वो जाएगा डी कॉस थीटा डैश, डी कॉस थीटा डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हम क्या करते हैं कि डी और थीटा डैश की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो रिंग है वो रोल कर रहा है, ठीक है, और रिंग की एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा है। देन वी हैव थीटा डैश इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। टी इक्वल टू टी सेकेंड पर रिंग यहाँ पे है, तो कन्फर्म है कि जो थीटा डैश है वो ओमेगा टी होगा, ठीक है। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई रेडियस, रिंग का रेडियस 2R है, ये हो जाएगा वी बाई 2R इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा डैश, ठीक है। अगेन डी की वैल्यू हम जानते हैं, डी इज इक्वल टू 2R cos थीटा। सो फाइनली वी हैव एक्स इक्वल टू वी टी माइनस डी दैट इज 2R cos थीटा। तो अगेन थीटा की वैल्यू भी हम टाइम के रेस्पेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो रिंग के रेस्पेक्ट में डिस्क का जो सेंटर है उसकी स्पीड u है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो सेंटर है वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ चुका है, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा r इंटू थीटा। एंड वी हैव r थीटा इक्वल टू यू इंटू टी, ठीक है, क्योंकि सेंटर को टी टाइम लगा है यहाँ से यहाँ आने में। सो वी मस्ट हैव दिस डिस्टेंस दैट इज आर थीटा इक्वल टू यू टी। सो थीटा इज इक्वल टू यू टी बाई आर, सो थीटा इज इक्वल टू यू टी बाई आर पुट करते हैं। दिस इज टू आर कॉस थीटा दैट इज यू टी बाई आर इंटू साइन थीटा डैश, दिस इज वी टी बाई टू आर, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू आर माइनस डी दैट इज 2R cos theta that is UT by R into cos theta dash that is VT by 2R। तो ये Y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों हमारा आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।